हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पैनासोनिक के आरजीबी एलईडी बल्ब के बारे में बताऊंगी और उसका डेमो भी दूंगी, और एक एडिशनल चीज बताऊंगी कि आप अपने मोबाइल के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से इस बल्ब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये पैनासोनिक का 7 वॉट्स का आरजीबी एलईडी बल्ब है। पहले इसके स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। ये 3 प्राइमरी कलर सपोर्ट करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, और उसके कॉम्बिनेशन से बाकी मिक्स कलर्स भी सपोर्ट करता है। ये B22 बेस में आता है तो इंडियन होल्डर में डायरेक्टली फिट हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से कन्वर्टर नहीं खरीदना पड़ेगा। इस बल्ब का वोल्टेज रेंज 100-300 वोल्ट्स है और ये 2.5 किलो वोल्ट्स के सर्ज प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये 2 इयर्स वारंटी के साथ आता है और इसकी लाइफ 25,000 पीएच है। ये बल्ब सिर्फ इंडोर यूज के लिए है। आप इसे डिमर के साथ या फिर क्लोज्ड इंक्लोजर में यूज नहीं कर सकते। ये एक IR बेस्ड RGB LED बल्ब है, तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप बिना वाईफाई या इंटरनेट के इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ये IR रिमोट आता है जिसे यूज करके आप इस लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, इस लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। इसका डेमो भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप इस बल्ब को रिमोटली अपने फोन के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस बल्ब के रिमोट को एक यूनिवर्सल रिमोट में ऐड करके अपने फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल रिमोट का डिटेल डेमो दिखाया था। आज के डेमो में मैं इस बल्ब को अपने यूनिवर्सल रिमोट के थ्रू कंट्रोल करके भी दिखाऊंगी। इस बल्ब के रिमोट को यूनिवर्सल रिमोट में ऐड करने का एक फायदा और भी है कि आपको रिमोट खोने का डर नहीं रहेगा। एक स्मार्ट एलईडी बल्ब खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चलिए अब इसका डेमो देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक IR बेस्ड RGB LED बल्ब है, तो इसके साथ एक IR रिमोट आता है जिसके थ्रू आप इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस रिमोट में देख सकते हैं कि बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि इस लाइट को ऑन या ऑफ करने का बटन, ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने का बटन, कलर्स के लिए डेडिकेटेड बटन्स हैं जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और बाकी ऑरेंज, येलो, पिंक। आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स के बटन्स दिए गए हैं, या फिर 4 डिफरेंट मोड्स को चेंज करने के लिए 4 डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं जैसे कि फ्लैश, स्ट्रोब, फेड और स्मूथ। चलिए अब इस रिमोट के थ्रू इस बल्ब को ऑपरेट करते हैं। तो पहले मैं इस लाइट को ऑफ करती हूँ, तो मैं इस लाइट को ऑफ कर पाई हूँ इस रिमोट के थ्रू। चलिए अब इसे ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है। चलिए अभी कलर चेंज करते हैं, पहले मैं रेड कलर करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर है। अभी ग्रीन करते हैं, अभी ब्लू, तो अभी वाइट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है। चलिए अभी पिंक कलर करते हैं, अब ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है। तो अभी ब्राइटनेस डिक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो रही है। तो चलिए अभी डिफरेंट मोड्स के लिए यहाँ पे बटन्स जो दिए गए हैं उसके थ्रू मोड्स चेंज करते हैं। पहले मैं फ्लैश मोड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश मोड है। तो अब चलिए स्ट्रोब मोड करते हैं, तो ये स्ट्रोब मोड है। चलिए अभी फेड मोड करते हैं, तो ये फेड मोड है। चलिए अब स्मूथ मोड करते हैं, तो ये स्मूथ मोड है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस रिमोट के थ्रू इस बल्ब को ऑपरेट कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसे यूनिवर्सल रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए अब मैं आपको उसका डेमो दिखाती हूँ। यह है मेरा ब्रॉडलिंग का यूनिवर्सल रिमोट। इस बल्ब के रिमोट को मैंने अपने ब्रॉडलिंग यूनिवर्सल रिमोट में ऑलरेडी ऐड किया है। कस्टम रिमोट को यूनिवर्सल रिमोट में कैसे ऐड करना है और उसे कैसे कन्फिगर करना है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में दिखाया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चलिए अब मैं इसे फोन में इंस्टॉल ब्रॉडलिंग ऐप के थ्रू कंट्रोल करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ऐड किया है, इसे ओपन करते हैं। तो चलिए अब इस लाइट को पहले ऑफ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑफ हो गई है। अब इसे ऑन करते हैं, तो चलिए अब इसका कलर चेंज करते हैं रेड में, तो
तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर चेंज हुआ है, अभी इसका ग्रीन कलर चेंज करते हैं और अभी येलो। चलिए अभी इसका ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है। चलिए अभी इसका ब्राइटनेस डिक्रीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस लाइट की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है। तो चलिए अभी इसका मोड चेंज करते हैं, पहले मैं फ्लैश मोड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश मोड है। चलिए अभी स्ट्रोब मोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोब मोड है। चलिए अब फेड मोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये फेड मोड है। चलिए अब स्मूथ मोड करते हैं, तो ये है स्मूथ मोड। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने फोन के थ्रू इस बल्ब को कंट्रोल कर पा रही हूँ। सिंस मैं ब्रॉडलिंग यूनिवर्सल रिमोट के थ्रू इस बल्ब को कंट्रोल कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इस बल्ब को दुनिया के किसी भी कोने से अपने फोन में इंस्टॉल ब्रॉडलिंग ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। अगर आपके पास यूनिवर्सल रिमोट है तो मैं इस बल्ब को यूनिवर्सल रिमोट में ऐड करना स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी। और आप इसके रिमोट को क्लाउड में बैकअप जरूर करें, ताकि अगर आपका फिजिकल रिमोट खो जाए फिर भी आप इस बल्ब को यूनिवर्सल रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर पाएं। तो ये था पैनासोनिक के RGB LED बल्ब का डेमो। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।